चैट जीपीटी। सोशल मीडिया पर तो आजकल हर चौथा आदमी सिर्फ इसी चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा है। तो आप जानते हैं कि चैट जीपीटी है क्या, इसे बनाया किसने और इसे यूज कैसे करते हैं? सब कुछ बताएंगे। और आपको एक और बात बता दूं कि चैट जीपीटी को लोग गूगल से कंपेयर कर रहे हैं और हमारी नौकरी खाने वाली टूल बता रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है इस बात में, वो सब जानेंगे। बट पहले हम लाइव एग्जांपल के जरिए आपको दिखाएंगे कि इस चैट जीपीटी को यूज करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी खोलेंगे। कुछ इस तरह का इसका फॉर्मेट है। तो अब हम इस पे क्वेश्चंस टाइप करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं हाय। लेट्स सी ये क्या आंसर देता है। इसने लिखा हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब हम इससे एक वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। ये मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया है, राइट अ वीडियो स्क्रिप्ट ऑन चैट जीपीटी। अब इसको मैंने सेंड कर दिया। इसने आंसर देना शुरू कर दिया है। वीडियो स्क्रिप्ट में ये बता रहा है कि कैसे शुरुआत करनी है, टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पर चैट जीपीटी का लोगो दिखाना है, इंट्रोडक्शन में हमें क्या बोलना है, उसमें इसने ब्रीफ में पॉइंट्स दिए बुलेट पॉइंट्स में हमें। यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टॉप जनरेटिंग, इसका मतलब कि हम इसे रोक भी सकते हैं। इसको भी ट्राई करके देखते हैं। ये हमने स्टॉप किया और ये स्टॉप हो गया। नेक्स्ट, मुझे होली के लिए छुट्टी चाहिए। मैं पूछती हूँ कि क्या ये मेल लिख पाएगा। राइट एन ईमेल टू माई मैनेजर फॉर होली लीव। ये मैंने इसे भेज दिया और इसने ईमेल भी लिखना शुरू कर दिया है। हम ये पूछते हैं कि क्या ये किसी की तरह बंद करके हमारे लिए कुछ लिख सकता है। जैसे एग्जांपल में हम शेक्सपियर का ले लेते हैं। इसने शेक्सपियर की तरह लिखना भी शुरू कर दिया है पोएम। होली आने वाली है तो हम इसे होली में ऐसे लिखवाते हैं, हिंदी में होली पर निबंध। काफ़ी टाइम के बाद इसने लिखना शुरू कर दिया। इसकी स्पीड हिंदी में थोड़ी कम है। अब मेरा नाम मेघा है तो मैं चाहती हूँ चैट जीपीटी मेरे बारे में कुछ बताए। तो देखते हैं कि वो मेरे बारे में क्या जवाब दे देता है। इसने मेरे बारे में भी लिखना शुरू कर दिया है। तो इससे से पूछते हैं कि क्या ये गूगल से ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो इसने इस तरह के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसने लिखा है कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ही आंसर दे, सेंटेंस को कंप्लीट करे और टेक्स्ट जनरेट करे। इस तरह की चीज़ों पर वो जवाब नहीं दे रहा है। हम इसे कुछ मैथ्स के भी सवाल पूछते हैं कि क्या ये सॉल्व कर पाएगा कि नहीं। मैंने इससे 5 फिल्मों के रिकमेंडेशंस मांगे हैं, ये हमें रिकमेंडेशंस भी दे रहा है। अब हम इससे कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो हम इससे पूछते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। सो वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है तो हम लोग वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड इससे एक थोड़ा फनी सवाल पूछते हैं कि वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए या नहीं। तो इसने बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया है कि वैलेंटाइंस डे मनाना ना मनाना ये किसी की भी पर्सनल चॉइस होती है, उनके कल्चरल बैकग्राउंड और पर्सनल प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। तो अब हमने इसे सवाल जवाब तो पूछ लिए हैं, हम इसे बाय बोल देते हैं। तो इसे यूज करके हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये चैट जीपीटी एक चैट बॉट है जो कि हमारे सवालों का रिटन में जवाब देता है। अब जैसे कि गूगल है, गूगल पर हम कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं तो वो हमें ढेर सारे रेफरेंसेस देता है आर्टिकल्स के, जिसमें हम अपनी चॉइस से उस आर्टिकल को क्लिक करते हैं और उसमें अपने सवाल का जवाब लेते हैं। लेकिन चैट जीपीटी डायरेक्ट आपके सवाल का जवाब दे देती है। और आपको ये भी बता दें कि चैट जीपीटी 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश में वो सबसे सटीक जवाब देता है। अब एक नज़र डालते हैं कि आखिर इस चैट जीपीटी को बनाया किसने है। चैट जीपीटी को ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करती है। कंपनी की शुरुआत 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने मिलकर की थी। उस वक्त ये कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट मिला और ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बदल गई। तो आखिर इस चैट जीपीटी को लोग हमारी नौकरियों पर खतरा क्यों बता रहे हैं? इसके साथ ही गूगल से भी कंपेयर कर रहे हैं। गूगल वाला कंपैरिजन तो हमने समझ लिया। हमारी नौकरी पर जो खतरे की बात आ रही है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। खतरा इसलिए क्योंकि इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 2 महीने पहले ही हुई थी, नवंबर में, और लॉन्चिंग के कुछ ही महीनों बाद इसके 100 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ तो है, लोगों के चिंता का भी विषय बनते जा रही है। क्योंकि जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पर उस चीज़ का मिसयूज होने लगता है। अब इसी मिसयूज के चलते चैट जीपीटी हॉट टॉपिक और चिंता का विषय बना हुआ है।
अब जैसे आप हमारी फील्ड का एग्जांपल ले लीजिए, हमने वीडियो में भी देखा कि चैट जीपीटी ने हमारे लिए एक वीडियो स्क्रिप्ट भी लिख दी, तो कंटेंट राइटिंग हो या फिर वीडियो मेकिंग, वो सब का काम कर ले रहा है। तो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर इसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स किए गए तो ये हो सकता है कि हमारी नौकरियों पर खतरा बन सकता है। अब हमने इसे लेकर चिंता की बात की तो उसका आपको ताज़ा मामला बताते हैं। ताज़ा मामला ये हुआ कि न्यूयॉर्क में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के असाइनमेंट इस चैट जीपीटी के थ्रू करने लगे, और जैसे ही इस बात का पता वहां की यूनिवर्सिटीज को पता चला तो आनन-फानन में शहर के सारे पब्लिक डिवाइसेस में और स्कूल कॉलेजेस में चैट जीपीटी को बैन कर दिया गया। और यही सबसे बड़ा डर है कि कहीं इस चैट जीपीटी का मिसयूज ना होने लगे। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आप ही दीजिए कि क्या आपको लगता है कि इस चैट जीपीटी से फ्यूचर में हमारे नौकरियों पर संकट आ सकता है? क्या सच में ये हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा? और आपको क्या लगता है इसका मिसयूज होने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपने भी चैट जीपीटी यूज किया है तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।